पिचुस्किन पुलिस से कहता है कि जब वो किसी विक्टिम को सिलेक्ट करता है तो वो खुद को मतलब भगवान जैसा समझता है कि उसका जो फेथ है उसकी किस्मत अब इसके हाथ में है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिन्मय और द डार्क टॉक्स के एक और एपिसोड में आप सब लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी है मॉस्को रशिया से और ये कहानी है रशिया के सबसे द मोस्ट प्रोलिफिक सीरियल किलर अलेक्जेंडर पिचुस्किन के बारे में। मोस्ट प्रोलिफिक मतलब जो सीरियल किलर जिसने सबसे ज्यादा लोगों को मारा है और इसको एक और नाम से जाना जाता है, वो है चेस बोर्ड किलर। इस सीरियल किलर ने 60 से ज्यादा लोगों का खून किया है और इस किलर को द चेस बोर्ड किलर जिस वजह से कहते हैं वो वजह भी काफी इंटरेस्टिंग है। तो इस कहानी में अंत तक बने रहिए और प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच। दोस्तों, अलेक्जेंडर पिचुस्किन या फिर द चेस बोर्ड किलर का जन्म हुआ था 9 अप्रैल 1974 में। इसने करीब 60 लोगों का खून किया था और 3 लोगों को घायल कर दिया था और इसका जो क्राइम स्प्री है, जितने दिनों तक इसने क्राइम किया था वो था 1992 से लेकर 2006 तक इसने क्राइम किया था। और इतने सारे क्राइम, इतने सारे खून इसने सिर्फ एक ही जगह पे की थी, वो है मॉस्को के बीचों बीच एक बहुत बड़ा पार्क है जिसको बोलते हैं बिट्सा पार्क। ये मतलब कोई छोटी मोटी जो हमारे शहर में पार्क होते वैसा नहीं, बहुत बड़ा एक तरह का जंगल समझ लीजिए। तो इस जंगल में ये अपना क्राइम करता था। तो दोस्तों, हर सीरियल किलर की कहानी की तरह इसके भी बचपन के बारे में, अर्ली लाइफ के बारे में हम लोग बात करेंगे, क्योंकि उसी से मालूम चलता है कि ये सीरियल किलर कैसे बना, क्यों बना। तो ये रशिया के मॉस्को में पैदा हुआ था 74 में, तो उस समय ये USSR था। ये अपनी माँ के साथ रहता था और अपनी बड़ी बहन, उसके हस्बैंड, मतलब एक परिवार था और एक छोटे से घर में ये लोग रहते थे। लेकिन जिस जगह पर इसने सारे खून किए थे, जो बिट्सा पार्क मैंने बोला, उससे सिर्फ 6-7 मिनट की दूरी पर ही ये रहता था। अब वैसे तो जब ये छोटा था दोस्तों तो इसका बचपन काफ़ी अच्छा था और इसके टीचर्स के पेरेंट्स बोलते थे कि ये काफ़ी सोशल लेवल बच्चा है, दोस्ती करता था सबसे। लेकिन इसके ज़िंदगी में, अब इसको एक दुखद घटना ही बोल लीजिए, एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है बचपन में ही, जिसकी वजह से इसका पूरा जो लाइफ है, इसकी ज़िंदगी बदल जाती है। और वो एक्सीडेंट ऐसा होता है कि बचपन में वो एक झूले में झूल रहा होता है, उसके बाद अचानक से वो झूले से गिर जाता है और फिर झूला जो है वो बैक साइड से फिर आके उसके एकदम दिमाग में चोट करता है, बुरी तरह से उसको टक्कर मारता है। और जिस जगह पे उस झूले ने उसके दिमाग में, मतलब सर में टक्कर मारी थी, उस जगह को बोलते हैं फ्रंटल कॉर्टेक्स। अब उसके ब्रेन की इस फ्रंटल कॉर्टेक्स में बुरी तरह से चोट लग गई थी और डॉक्टर्स का कहना था कि इस वजह से उसके जो इम्पल्सेस है वो काफ़ी पोर होने वाले हैं और जो टेंडेंसी टूवर्ड एग्रेशन, यानी कि बहुत जल्दी जो गुस्सा आना, उस इमोशन को कंट्रोल कर पाना, उसकी जो एबिलिटी है वो काफ़ी कम हो जाएगी। यानी कि इसको बहुत जल्दी अनयूजुअल गुस्सा आ सकता है। एक तरह से आप लोग समझिए कि वो अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाएगा इस चोट की वजह से। और डॉक्टर्स ने जैसा कहा दोस्तों, ठीक वैसा ही हुआ। इस एक्सीडेंट के बाद जो पिचुस्किन है वो काफ़ी अकेला अकेला रहना लगा, वो अपने इमोशंस को काबू नहीं कर पा रहा था। वो सडनली रो देता था, सडनली बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता था और उसके डिज़ायर्स अगर कंप्लीट नहीं होते थे तो वो मतलब काफ़ी अनयूजुअल बिहेव करता था। अब उसका बिहेवियर इतना ज़्यादा वियर्ड और इतना ज़्यादा एग्रेसिव हो गया था कि जिस स्कूल में वो पढ़ रहा था वो एक नॉर्मल स्कूल था, लेकिन उस स्कूल से हटाकर उसकी माँ ने उसको एक स्पेशल स्कूल में डाल दिया। और वो जो स्कूल था वो था जो लर्निंग डिफ़िकल्टीज होती है, डिसेबिलिटी होती है, वैसे स्कूल में इसको डाल दिया। तो सोचिए उसके दिमाग में किस तरह का असर पड़ेगा। अब उसकी माँ को उसको स्पेशल एबिलिटी वाले स्कूल में डालना ही पड़ा, क्योंकि जो उसका प्रीवियस स्कूल था वहाँ पर उसको बहुत ही ज़्यादा बुली किया गया था, क्योंकि उसका जो एक्सीडेंट के बाद उसका बिहेवियर अलग हो गया था और इस वजह से उसको काफ़ी बुली किया जाता था, उसको एक रिटार्ड बोल के चिराया जाता था। इस चीज़ से एक बात ऐसे याद आती है, जब हम भी बच्चे थे, याद नहीं है लेकिन हाँ, कि क्लास में मतलब सभी मिलके एक ना एक ऐसा एक बच्चा होता है जिसको सब लोग बहुत ही ज़्यादा चिराते हैं, उसको बुली करते हैं, उसको पागल या रिटार्ड कुछ भी बोलते हैं, और उस समय हमको बस लगता है कि हम लोग तो ऐसे ही मजाक कर रहे हैं। लेकिन आज जाके समझ में आता है कि उस तरह का जो बुलिंग है या फिर किसी को रिटार्ड बुलाना, वो भी बचपन में, वो सब उस बच्चे के लिए, उस आदमी के लिए कितना बड़ा एक पनिशमेंट हो सकता है, कितना बड़ा कॉन्सिक्वेंस हो सकता है उसके आने वाले लाइफ में। तो कभी भी दोस्तों किसी को भी बुली ना किया जाए, और अगर आपके खुद के बच्चे कर रहे हैं तो उनको भी ये सिखाया जाए कि ये सब अच्छी बात नहीं होती है। खैर, आगे बढ़ते हैं इस कहानी में। तो पिचुस्किन उस जो स्पेशल एबिलिटी वाली स्कूल है उसमें वो बड़ा हो रहा था, पढ़ाई कर रहा था, उसके एकदम ना के बराबर ही दोस्त थे। लेकिन लाइफ के इस स्टेज में आके उसको एक दोस्त मिलता है और वो दोस्त कोई और नहीं, उसके ही खुद के दादाजी होते हैं। उसके दादाजी बहुत ही अच्छे आदमी थे। वो देख रहे थे कि जो पिचुस्किन है वो उसके स्कूल के जो दूसरे डिसेबल बच्चे हैं उनकी तरह नहीं है, उसको तो मजबूरी में वहाँ डालना पड़ा था।
और उसके दादाजी पहचानते हैं कि ये लड़का बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है, लेकिन वो अपनी जो क्षमता है इस स्कूल में वो बर्बाद कर रहा है, या फिर कोई भी एक्टिविटी वो नहीं कर रहा था क्योंकि वैसे ही स्कूल घर ऐसे ही कर रहा था। तो उसके दादाजी उसको अपने पास रख लेते हैं और उसको वो चीज़ सिखाते हैं जिससे उसको सबसे ज़्यादा प्यार था, और वो है चेस। चेस खेलना पिचुस्किन को बहुत ज़्यादा पसंद था और उसके दादाजी ने ही पिचुस्किन को चेस खेलना सिखाया था। वो पिचुस्किन को चेस की सारी जो चाले हैं वो सब सिखाते थे, घंटों वो लोग दोनों चेस खेलते थे। आप सोचिए, एक बच्चा जिसका कोई दोस्त नहीं था और अचानक से उसको एक दोस्त मिल जाता है उसके दादाजी के रूप में, और चेस खेलते हैं दोनों, मतलब एंजॉय करते हैं, तो उसको कितना अच्छा लग रहा होगा, उसका माइंडसेट कितना पॉजिटिव हो रहा होगा। और ऐसे खेलते खेलते प्रैक्टिस करते करते जो पिचुस्किन का जो चेस एबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्लेयर वो बन जाता है। उसके दादाजी क्या करते हैं, पिचुस्किन को लेके भिक्षा पार्क जाते हैं और वहाँ पे भी कई इनके दादाजी के उम्र के लोग वहाँ पे ऐसे बैठे रहते हैं, चिल करते रहते हैं, तो उनके साथ पिचुस्किन बचपन से ही चेस खेलता रहता है। तो एक तरह से ये उसका रेगुलर एक्टिविटी बन जाता है, एल्डरली लोगों के साथ चेस खेलना। अब दोस्तों, कुछ समय के लिए इसका लाइफ जो है बहुत ही पॉजिटिव चल रहा था। दादाजी के साथ ये टाइम बिताता था और दूसरे भिक्षा पार्क में जाकर दूसरे लोगों के साथ चेस खेलता था, काफ़ी अच्छा चल रहा था। लेकिन अचानक से उसकी ज़िंदगी एकदम पलट जाती है और वो जो घटना होती है, उस घटना ने इसका जो एग्रेशन है और ज़्यादा बढ़ा दिया, इसको और ज़्यादा लोनली कर दिया। वो घटना थी इसके दादाजी की मौत। किसी नेचुरल कॉजेज से ही इसके ग्रैंडफादर की मौत हो जाती है और फिर ये वापस अपने माँ के यहाँ आ जाता है। बाद में जब दोस्तों इसका इंटरव्यू लिया गया था, तब इसने कहा था कि ये जो इसके दादाजी गुजर गए थे, ये जो इवेंट था इसके लाइफ में, उसका बहुत ही ज़्यादा पाइवोटल रोल है इसका क्रिमिनल बनने में, और इसने इसके ब्रेन को काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट किया था। अब जो दादाजी के मरने का जो पेन है, उस पेन को कम करने के लिए ये बहुत ही हेवीली ड्रिंक करने लगा और जो वोडका है वोडका पीने लगा, और उसके बाद जो चेस खेलना जो इसका पैशन था वो करता रहा। लेकिन बहुत ही अजीबोगरीब, मतलब एक हर चीज़ का कोई लिमिट होना चाहिए, लेकिन वो लिमिट से बाहर ऐसा करता था। वो सिर्फ शराब पीता था और चेस खेलता था। वो भिक्षा पार्क जाके किसी भी बूढ़े या आदमी के साथ उनको बोलता था कि अगर वोडका चाहिए तो उनको पिला देता था, और उनके साथ चेस खेलने लगा था। और उसका बिहेवियर मतलब बहुत ही ज़्यादा वियर्ड होते चला गया। जब चेस खेलना और वोडका पीने से भी इसका जो गुस्सा है, इमोशंस है, वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, तो वो और भी ज़्यादा खतरनाक हॉबीज़ की तरफ आगे बढ़ जाता है। उनमें से एक हॉबीज़ ये था कि वो जब भी किसी बच्चे को सुनसान जगह पे देखता था, उसको पैर से पकड़कर उल्टा लटका देता था, या फिर अगर कोई बिल्डिंग में है तो बेलकोनी से ऐसे उल्टा लटका कर उसको रखता था, और बच्चे को कुछ भी अजीबोगरीब वो बोलता था कि अब तुम मेरे कब्जे में आ गए हो, इस तरह की बातें वो करता था। और इस तरह की चीज़ों को वो वीडियो टेप भी करता था। फिर बाद में जाके वो टेप्स वो वीडियो देख के एकदम, मतलब साइको ही बोल लीजिए, साइको हो गया था बिल्कुल। वो टेप्स देख के खुशी मिलती थी उसको किसी और को चोट पहुंचा के। ऐसा एक वीडियो बाद में पुलिस को मिल भी गया था जिसमें वो बच्चे को उल्टा लटकाए हुए था और वो कह रहा था, आई एम गोइंग टू ड्रॉप यू फ्रॉम द विंडो एंड यू विल फॉल 15 मीटर्स टू योर डेथ। ऐसा करके उसको एक अजीब मतलब पावर की फीलिंग होती थी। लेकिन दोस्तों, ये सब करके, चेस खेल के, शराब पी के, या फिर बच्चे को उल्टा लटका के वीडियो बना के भी, उसकी जो इच्छाएं हो वो पूरी नहीं हो रही थी। उसकी इच्छाएं वायलेंस की तरफ इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि अब वो मतलब असली में कुछ करना चाहता था। उस समय रशिया में एक बहुत ही फेमस सीरियल किलर था जिसके बारे में मैंने भी एपिसोड बनाया है, आई बटन में आप देख सकते हैं। उसका नाम है आंद्रे चिकाटिलो, और वो आंद्रे चिकाटिलो की स्टोरी से बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर्ड था। उसने एक एम रखा था कि आंद्रे चिकाटिलो ने जितने लोगों को मारा है वो उससे भी ज़्यादा लोगों को मारेगा। और उसने अपने इंटरव्यू में बोला था कि जो चेस बोर्ड होता है उसमें काले और सफ़ेद जो स्क्वेयर्स होते हैं वैसे 64 स्क्वेयर्स होते हैं, तो वो 64 लोगों को मारना चाहता था। अब दोस्तों, उसके क्राइम के बारे में बात करते हैं। उसने अपना पहला क्राइम यानी कि पहला मर्डर किया था 27 जुलाई 1992 को, जब वो सिर्फ 18 साल का था। वो क्राइम ऐसा हुआ था कि उसने और उसके क्लासमेट ने स्कूल के, उन्होंने डिसाइड किया था कि वो लोग बहुत लोगों को मारेंगे, मतलब सीरियल किलर्स बनेंगे ये दोनों। और इस चीज़ को पूरा करने के लिए पिचुस्किन ने उस दूसरे लड़के को भिक्षा पार्क बुलाया था। वो लड़का उधर आया भी, लेकिन फिर आके वहाँ पे वो मस्ती करने लगा, मजाक करने लगा, कि बोला कि तुम तो सीरियस हो गए, मैं तो तुमको ऐसे ही बोल रहा था।
इस चीज से पिचुस्किन को इतना ज्यादा गुस्सा आया, इतना ज्यादा कि ये लड़का मतलब इतने दिनों तक मुझे बेवकूफ बना रहा था, बोल रहा था कि मेरे साथ खून करेगा, अभी ये झूठ बोल रहा है। उसी समय वो अपने बैग से एक हथौड़ा निकाल के सीधा उसके सर पर वार कर देता है। उस लड़के की वहीं पे मौत हो जाती है। उसने करीब 24 बार हथौड़े से उसके सिर पर मारा और जब वो लड़का मर गया तो वहाँ पे पास में ही एक सीवर था तो वहाँ पे उसकी लाश को डाल दिया। ये उसका पहला खून था और बहुत ही केयरलेसली उसने ये किया था, क्योंकि बहुत लोगों ने देख लिया था कि जो लड़का था वो पिचुस्किन के साथ ही जंगल की तरफ गया है और वही उसका लास्ट टाइम था। पुलिस ने जब छानबीन की और ये मालूम चला कि ये लड़का लास्ट टाइम पिचुस्किन के साथ ही देखा गया था तो पिचुस्किन को उसके माँ के घर से गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन पता नहीं क्या हो दोस्तों कि शायद पुलिस एनफ सबूत नहीं जुटा पाई होगी, इसीलिए पिचुस्किन को उन लोगों को छोड़ना पड़ा। उसने बोला कि हाँ मैं उसके साथ लास्ट में था अपने दोस्त के साथ, लेकिन उसके बाद मैं वहाँ से आ गया था और मैंने कुछ नहीं किया है, ऐसा उसने बयान दे दिया और पुलिस ने भी उसको जाने दिया। तो ये जो पहला खून उसने किया था और इतनी आसानी से वो बच गया था, इससे क्या हुआ उसका जो कॉन्फिडेंस है वो और ज़्यादा बढ़ गया था और उसके मुँह खून लग गया था। अब दोस्तों क्या हुआ कि इतने सारे खून तो उसने किए हैं और इतने सारे खून के बारे में तो मैं नहीं बता पाऊंगा, इसीलिए बता लेता हूँ कि इसने ऐसा किया कैसे और उसका जो मोडस ऑपरेंडी है वो क्या है। 1992 के खून के बाद वो 4 सालों तक उसने कोई भी खून नहीं किया, लेकिन फिर उसने 96 से खून करना शुरू किया। वो क्या करता था, हाथ में वोडका की बोतल और एक बहुत बड़ी चेस बोर्ड लेके वो बिच्छा पार्क में घूमता था और ऐसे विक्टिम्स की तलाश करता था जो कि एल्डरली लोग हैं, थोड़े बूढ़े लोग हैं, और फिर उनको बोलता था कि मेरे पास वोडका है, अगर आप मेरे साथ चेस खेलना चाहते हैं या फिर वोडका पीना चाहते हैं, एक तरह से मतलब टाइम पास समझो करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। तो कई बूढ़े लोग मतलब रेडी भी हो जाते हैं क्योंकि वो लोग पार्क में ऐसे बैठे रहते थे और ज़्यादातर वो लोग होमलेस लोग ही होते थे। फिर पिचुस्किन उनको एक बहुत ही सुनसान जगह पर लेके जाता था पार्क के अंदर ही, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि काफ़ी बड़ा पार्क था, वो एक सुनसान जगह पे जाके पहले तो चेस खेलते थे, वोडका भी पीते थे, चेस भी खेलते थे, और जब वो लोग फ्रेंडली हो जाते थे तब अगर उस बुरे आदमी का ध्यान इधर उधर होता था तो पिचुस्किन पीछे से हथौड़ा निकालता था और उसके सर पर वार करके उसका खून कर देता था। उसके बाद वो अपना सिग्नेचर, हर सीरियल किलर का एक सिग्नेचर होता है, वो सिग्नेचर करता था उस विक्टिम के बॉडी में, और वो सिग्नेचर ऐसा था कि वो हथौड़े से मार के सर पर मतलब छेद कर देता था या फिर किसी लकड़ी से भी छेद कर देता था और पूरा जो वोडका का बोतल है, वोडका तो पी लिया होगा, उसके बाद उसका जो मुंह है वो उस छेद में डाल देता था और उस लाश को वहीं पे छोड़ देता था उस सुनसान जगह पे, या फिर कभी कभी लाश को सीवर में भी डाल देता था। ऐसे उसने कई सारे विक्टिम्स का खून किया एकदम इसी स्टाइल में, पहले चेस खेलते थे, वोडका पीते थे और फिर अगर जो विक्टिम है उसकी नज़र यहाँ वहाँ हटती थी तो फिर हथौड़ा मार के उसको मार डालते थे। उसके बाद और कई विक्टिम्स को ऐसे मारा कि वहाँ पे एक सीवर था बहुत बड़ा, तो वहाँ पे पास विक्टिम को पास ले जाके धक्का दे देते थे सीवर में, तो कई लोग वहाँ पे ड्राउनिंग से डूब कर मर जाते थे और 3-4 शायद बच गए थे। तो यही उसका मोडस ऑपरेंडी था। तो आप लोगों ने एक बात गौर किया कि ये पहले दोस्ती करता है, पहले उसके साथ वेल एक्विंट होता है, उसके बाद उसका खून करता है, और इसका भी एक रीज़न है कि ऐसा क्यों करता है वो मैं थोड़ी देर बाद आपको बताऊंगा। अपने पहले के सालों में वो सिर्फ बुरे लोगों को शिकार बना रहा था, लेकिन बाद में जो मिले, बच्चा हो, लड़का हो, औरत हो, वो उसका खून कर रहा था। और उसका जो लास्ट शिकार था वो तो उसके ही जान पहचान की एक औरत थी। वो इतना केयरलेसली खून कर रहा था, पता नहीं पुलिस उसको कैसे नहीं पकड़ पा रही थी, कि वो जिस बिल्डिंग में रहता था उसी बिल्डिंग के 10 लोगों का उसने खून किया था और वो बिच्छा पार्क के बहुत ही पास में रहता था। अब दोस्तों हर मुजरिम का एक दिन आता है, इसका भी आ गया था और वो दिन था जून 2006। पिचुस्किन जहाँ पे काम करता था वहाँ के ही एक कोवर्कर 36 साल की एक महिला जिसका नाम था मेरियाना, वो मेरियाना को बोलता है कि अगर चाहो तो मेरे साथ घूमने जा सकते हो बिच्छा पार्क में। उसका मेन मकसद तो खून करना ही था। मेरियाना भी इसके साथ चली जाती है, लेकिन वो एक ऐसा काम करती है जिसकी वजह से ये पकड़ा जाता है, और वो काम ये है कि जाने से पहले वो अपने घर में ये लिख के चली जाती है कि वो किसके साथ जा रही है, मतलब पिचुस्किन के साथ जा रही है, और उसका फ़ोन नंबर तक लिख देती है उस नोट में, और फिर वो उसके साथ चली जाती है और वो वहाँ पे जाके उसका खून कर देता है बुरी तरह से, और फिर वो अपने घर चला जाता है। उसके बाद जब छानबीन होती है
तब ये मालूम चलता है जो मारियाना थी उसके बॉडी से एक रेलवे टिकट मिलता है। उस रेलवे टिकट से छानबीन करते करते, क्योंकि 2006-07 में तो CCTV भी थे, पुलिस ने काफ़ी छानबीन की और फिर मालूम चल गया कि ये पिचुस्किन के साथ ही थी। और फिर वो घर में जो नोट था, उस औरत के लड़के ने भी वो नोट पुलिस को दे दिया था। तो अभी कोई दूसरा शक ही नहीं था कि इस पूरे मर्डर में पिचुस्किन का ही हाथ था। अब होता ऐसा है कि पिचुस्किन को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन उसको सिर्फ जो मारियाना के मर्डर के लिए ही गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन इंट्रोगेशन के दौरान पिचुस्किन ये उगल देता है, ये कन्फर्स कर देता है कि जो चेस बोर्ड किलर है, बिच्छा पार्क मैनियक करके भी इसको बोला जाता था, तो वो बिच्छा पार्क मैनियक मैं ही हूँ, वो ऐसा कन्फेस कर देता है। और जितने भी मर्डर्स उसने किए हैं, पुलिस को तो लगा था कि 15-20 किए हैं, लेकिन ये कन्फेस करता है कि इसने 60 मर्डर्स किए हैं, 60। और उसकी जो मेमोरी है, मतलब एकदम क्लासिक जो सीरियल किलर होता है उस तरह का है। सोचे 60 से ज़्यादा लोगों का इसने खून किया है, तो एक एक खून के बारे में, एक एक क्राइम के बारे में उसको एकदम डिटेल में मालूम है, एकदम डिटेल में। और एक बहुत ही अच्छी डॉक्यूमेंट्री भी है इसके ऊपर, उस डॉक्यूमेंट्री में एक रियल फुटेज आप ज़रूर देखना। उसमें क्या होता है, रशिया में जो इन्वेस्टिगेशन का तरीका होता है वो ऐसा होता है कि अगर आपने किसी का खून किया तो वो जो जिस जगह पे खून हुआ था वहाँ पे जाके ऐसे जो पुतला होता है, एक पुतले में आपको दिखाना पड़ता है जो सीरियल किलर होता है कि किस तरह से किया है, किस तरह से नहीं। तो वैसा वो दिखा रहा था किस तरह से उसने मारा है, मतलब वो फिर से रिलीव कर रहा था। पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था उसको, लेकिन फिर भी वो अपने क्राइम्स को रिलीव करके वो एंजॉय कर रहा था। अब मैं आपको बताता हूँ कि वो जो पहले दोस्ती करता था एक विक्टिम से, फिर उसको मारता था, उसका रीज़न क्या है। उसका रीज़न भी बहुत ही ज़्यादा घटिया और बहुत ही इंसेन है, मतलब इससे पता चलता है कि किस तरह का साइको आदमी था ये। पिचुस्किन पुलिस से कहता है कि जब वो किसी विक्टिम को सिलेक्ट करता है तो वो खुद को मतलब भगवान जैसा समझता है, कि उसका जो फेथ है, उसकी किस्मत अब इसके हाथ में है। एक अजीब ही पावर वो महसूस करता है, और वो दोस्ती इसीलिए करता है क्योंकि वो कहता है कि जिस लोग को हम लोग जानते हैं, जिनको हम लोग प्यार करते हैं, उनको मार के इसको और ज़्यादा प्लेजर मिलता है। मतलब आप समझ रहे हैं किस तरह की बात ये कर रहा है। फिर जब इसको पूछा गया कि तुम क्यों मारते हो लोगों को तो फिर इसी तरह का इसने एक आंसर दिया। इसने कहा, आई किल इन ऑर्डर टू लिव, मतलब मारता हूँ जिंदा रहने के लिए। बिकॉज वेन यू किल यू वॉन्ट टू लिव। और फिर कहता है, फॉर मी लाइफ विदाउट मर्डर इज लाइक लाइफ विदाउट फूड फॉर यू, मतलब हमारे लिए अगर खाना खाना इम्पोर्टेंट है तो जिंदगी जीने के लिए इसके लिए खून करना इम्पोर्टेंट। अब दोस्तों सोचिए, आपके पड़ोस में या फिर ऐसे ही आसपास एक आदमी ऐसा है जिसका माइंडसेट ये है कि खून करना ज़रूरी है उसके लिए जिंदा रहने के लिए, तो मतलब कितनी खतरनाक दुनिया है, आप सोचिए दोस्तों। वो फिर कहता है, आई फेल्ट लाइक द फादर ऑफ ऑल दिस पीपल सिंस इट वॉज मी हु ओपन द डोर फॉर डेम टू अनदर वर्ल्ड। अब दोस्तों 24 अक्टूबर 2007 को कोर्ट इसका फैसला करती है, और 60 में से सिर्फ 49 मर्डर्स ही साबित हो पाए, और 3 अटेम्प्टेड मर्डर के केस हुए, और इसके क्राइम्स के लिए इसको लाइफ सेंटेंस यानी कि आजीवन कारावास की सज़ा हुई। जब इसका केस कोर्ट में चल रहा था तो इसको एक ग्लास के केज में रखा गया था ताकि कोई भी आके इसको मतलब मार ना डाले, क्योंकि लोगों का गुस्सा एकदम सातवें आसमान पे था, पब्लिक का गुस्सा। और आज के दिन दोस्तों ये मॉस्को के एक जेल में बंद है, और इसको 15 ईयर्स सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की सज़ा भी हुई है, यानी कि अपने शुरुआत के 15 साल ये एकदम मतलब लोनली रहेगा। सिर्फ एक घंटा इसको मिलेगा नहाने वहाने के लिए, अदरवाइज बाकी के 23 घंटे ये सिर्फ अपने जो एक छोटा सा सेल रहेगा जेल में, उसके अंदर ही बंद रहेगा। तो दोस्तों यही कहानी थी आज की। और दोस्तों हमारा चैनल कोई बड़ा चैनल तो नहीं है, मैंने उम्मीद बहुत ज़्यादा की थी जब मैंने इस चैनल को शुरू किया था, लेकिन फिर भी कुछ कमेंट्स लोग करते हैं जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है दोस्तों, अप्रिशिएट करते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो मैंने सोचा कि हर एपिसोड के अंत में मैं ऐसे कुछ कमेंट्स को पढ़ूंगा और उनको एक शाउट आउट ज़रूर दूंगा। तो आज का जो बेस्ट कमेंट है जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा वो किया है ऑल पसल शॉपिंग्स, कमेंट है, आई हैव बीन वॉचिंग यू सिंस व्हेन यू हैव 300 सब्सक्राइबर्स, डोंट बी डीमोटिवेटेड, वी आर विथ यू, लव फ्रॉम नेपाल। तो थैंक यू सो मच भाई, काम तो मैं ऑब्वियसली करता रहूँगा, अब देखते हैं आगे जाके क्या होता है। तो दोस्तों यही कहानी थी आज की, होप करता हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी हो। जल्द मिलता हूँ एक और एपिसोड के साथ, टिल देन थैंक यू सो मच।